तो दोस्तों फाइनली फ्लिपकार्ट का बिग सेविंग डे सेल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और अभी आपको इस टाइम फ्लिपकार्ट के इस सेल में मोबाइल फोन पर 5000 रुपए तक की छूट दी जा रही है। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी आप फ्लिपकार्ट के इस सेल ऑफर पर मोबाइल खरीद सकते हैं और इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डे सेल पर कितने रुपए तक की छूट दी जा रही है और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट से खरीदने की सोच रहे हैं, फ्लिपकार्ट से आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और अगर आपके पास बजट कम है और आप EMI कराना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में तो कैसे दोस्तों आपको मोबाइल के लिए फ्लिपकार्ट से EMI कराना है बिना क्रेडिट कार्ड बिना डेबिट कार्ड के, इसका भी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अभी आप फ्लिपकार्ट के इस सेल में EMI पर भी मोबाइल परचेज कर सकते हैं वो भी बिना क्रेडिट कार्ड और बिना डेबिट कार्ड के। तो कैसे दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट से बिना क्रेडिट डेबिट कार्ड के EMI पर मोबाइल लेना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप अपने फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करेंगे। तो जैसा हम यहाँ पे ओपन कर लिए हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पहले यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको बैनर देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे बताया गया है बिगेस्ट सेल ऑफर आर लाइव, फ्लिपकार्ट का जो बिग सेविंग सेल है वो यहाँ पे लाइव हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको मोबाइल फोन लेना है उस मोबाइल फोन को आप सिंपली फ्लिपकार्ट पर सर्च करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आईफोन की प्राइस देख लेते हैं और आईफोन की प्राइस में यहाँ पे कितना तक छूट दी गई है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको हर एक मोबाइल पर यहाँ पे भारी छूट देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आईफोन में बहुत सारे स्मार्टफोन पर आपको 16% तक की ऑफ दी गई है, किसी पर 13%, किसी पे 12%, तो किसी पे 16%, किसी पे 17% तक की छूट दी गई है। तो दोस्तों अगर आपको स्मार्टफोन खरीदना है फ्लिपकार्ट के इस सेल पर वो भी EMI पर वो भी बिना क्रेडिट कार्ड के EMI पर, तो चलिए उसका भी हम आपको प्रोसेस दिखा देते हैं कि कैसे आप बिना क्रेडिट कार्ड के बिना डेबिट कार्ड के फ्लिपकार्ट से EMI पर मोबाइल ले सकते हैं इस सेल पर। तो जैसे कि हमें यहाँ पे आईफोन खरीदना है जिसका प्राइस है 58,499 रुपये, इसको हम EMI पर कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। अब जैसे इसको आप सेलेक्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं EMI पर यहाँ पे अवेलेबल है ये मोबाइल, मंथली EMI आपको कितना देना है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो डिटेल्स पे क्लिक करके आप इनका डिटेल्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स में आपको EMI ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आप किस मेथड के थ्रू इसको EMI करा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे यहाँ पे मेथड मिल रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है और साथ ही साथ नीचे आपको बैंकों का क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, बिना क्रेडिट कार्ड के फ्लिपकार्ट से EMI कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट का ऑफिशियली फैसिलिटी मिल जाता है जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI पे अभी आप मोबाइल ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से, जिसमें आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो सिंपल है फ्लिपकार्ट पे लेटर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है कितना आपको मंथली इंटरेस्ट देना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI के थ्रू 48 मंथ तक के लिए EMI पर मोबाइल ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 मंथ से लेकर 48 मंथ तक के लिए EMI पर ले सकते हैं। अगर आप 48 मंथ के लिए लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 1908 रुपये आपको पर मंथ EMI देने होंगे। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट दिखा दिया गया है, टोटल कॉस्ट जो भी आपका मोबाइल का आएगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करना होगा। फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करना बहुत ही सिंपल है। तो कैसे आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करना है और कैसे फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI के थ्रू मोबाइल को परचेस करेंगे, चलिए मैं आपको इसका प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे जैसे अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे लेटर को चूज करेंगे। यहाँ पे जैसे फ्लिपकार्ट पे लेटर को चूज कर लेते हैं आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। अब दोस्तों देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेशन पेज आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर पे आपको 1,00,000 रुपए तक का क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर एक टाइप का लोन ही है जो लोन आपको फ्लिपकार्ट IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर आपको प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए आपको 2 स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहले आपको अपना पैन डिटेल्स वेरीफाई करना है, आधार डिटेल्स वेरीफाई करना है। जैसे ही दोनों स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हैं आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी लिमिट आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर में मिलेगा वो लिमिट आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही पैन नंबर डाल के नेक्स्ट करते हैं पैन नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। आपको आधार डिटेल्स को वेरीफाई करना है तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे देन कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आधार नंबर एंटर करके जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP सेंड किया जाएगा। वो आधार OTP आप डालेंगे देन वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब दोस्तों आधार ओटीपी डाल के जैसे आप वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डिटेल्स है वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से फैच कर लेगा। जैसे कि आपका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा, आपका DOB शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर शो हो जाएगा और आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सब कुछ आप चेक करेंगे, देन इसके बाद आप एग्री एंड सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप एग्री एंड सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप फाइनल स्टेप में आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करना है, तो बैंक डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे UPI ID दे सकते हैं या फिर बैंक डिटेल्स दे सकते हैं। तो अगर आप UPI ID देना चाहते हैं तो सिंपल UPI ID को डाल लेंगे, देन वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर आप UPI ID नहीं देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे चूज बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना बैंक डिटेल डाल के वेरीफाई एंड सबमिट करेंगे। तो चलिए हम UPI ID से बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, तो हम अपना UPI ID डाल दिए, देन चलिए हम यहाँ पे वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे आप बैंक डिटेल्स या फिर UPI ID डाल के वेरीफाई एंड सबमिट कर देते हैं आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी आपको ऐसे लिमिट मिलेगा वो लिमिट आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं जिनका फ्लिपकार्ट पे लेटर अभी एक्टिवेट किया उनको यहाँ पे 25,000 रुपये की लिमिट दी गई है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको भी अपना लिमिट देखने को मिल जाएगा, जो भी आपको यहाँ पे क्रेडिट लिमिट दिखाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको अप टू 1,00,000 रुपये तक का लिमिट मिलता है, लेकिन ये जो लिमिट आपको दिया जाता है ये आपके क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से दिया जाता है। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री सही है, अगर आपका सिबिल स्कोर सही है तो आपको यहाँ पे ज्यादा अमाउंट का क्रेडिट लिमिट मिलेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन है तो आपको यहाँ पे कम अमाउंट का लिमिट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी लिमिट मिलेगा उससे आप दोगुने प्राइस का कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से EMI पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट हो चुका है और हमें यहाँ पे लिमिट भी मिल चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू मोबाइल को EMI पर लेना है। अब दोस्तों फिर से आप फ्लिपकार्ट आपके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जो भी स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट से बाय करना है फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI के थ्रू वो स्मार्टफोन आप यहाँ पे सर्च करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी स्मार्टफोन फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर रेडमी का स्मार्टफोन चाहिए तो हम यहाँ पे सिंपली रेडमी स्मार्टफोन लिख के सर्च कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं रेडमी का बहुत सारा स्मार्टफोन मेरे सामने आ चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी एक स्मार्टफोन चूज कर लेते हैं फॉर डेमो पर्पज के लिए और आपको हम दिखाते हैं कि कैसे आप इसको फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI के थ्रू बाय करेंगे। जैसे कि यहाँ पे रेडमी नोट 12 जिसका प्राइस है 13,999 रुपये, इसको हम सेलेक्ट कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे फीचर्स क्वालिटी चेक करेंगे। इसके बाद अब आपको इसको बाय करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है, बाय नाउ और पे विथ EMI का। तो आप दोनों में से एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बाय नाउ ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको स्किप एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपका जो भी डिलीवरी एड्रेस होगा वो एड्रेस आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप पेमेंट पेज में आ जाएंगे। दोस्तों पेमेंट पेज में आपको बहुत सारा पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आपको पेमेंट मेथड में फ्लिपकार्ट पे लेटर को चूज करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, फ्लिपकार्ट पे लेटर को चूज करेंगे। अब जैसे ही फ्लिपकार्ट पे लेटर को चूज कर लेते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट EMI प्लान। अब आपको EMI प्लान यहाँ पे चूज करना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने EMI प्लान आ जाएगा कि आप कितने मंथ के लिए इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं। तो आप उस हिसाब से जितना मंथ के लिए लेना चाहते हैं उस मंथ को सिलेक्ट करेंगे, आपको मंथली EMI देखने को मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा और टोटल जो भी आपको रिपेमेंट करना है वो देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप कंफर्म करेंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस कर दिया जाएगा और आपको 1 या 2 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों फ्लिपकार्ट से बिग सेविंग डेज के मौके पर फ्लिपकार्ट से EMI पर मोबाइल ले सकते हैं बिना क्रेडिट कार्ड के। जैसा मैंने आपको बताया है कि आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू बिना क्रेडिट कार्ड के फ्लिपकार्ट से EMI पर मोबाइल बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो मंथली EMI होगी वो आपको कैसे रिपेमेंट करना होगा। तो रिपेमेंट करने का प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली फ्लिपकार्ट को ओपन करेंगे, अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगा कि कितना लिमिट आपको मिला था, उसमें से आप कितना खर्च किए और नेक्स्ट EMI आपको कब देना है। तो ड्यू डेट आपको देखने को मिल जाएगा, उसी डेट पे आपको EMI को पे करना है। आप अपने मंथली EMI को नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।